I know, right? Even I can't wait for 2020 to get over. Yeah, even I can't wait for schools to get started. Yeah, I'm waiting for school to get started in 2021. So, तूने New Year की shopping की क्या? अरे हाँ, मैं तब तक shopping भी नहीं की है. तो यार चल हम दोनों साथ में shopping करते हैं. Nice idea. Okay, चल हम दोनों twinning करेंगे, बहुत सही मजा आएगा. हम दोनों सबसे best लगेंगे class में. हाँ, तो 10,000 rupees लेके आ, बहुत मजा आएगा. हाँ. अच्छा सुन, मैं भी जा रही हूँ घर पे, मम्मी से 10,000 rupees मांगती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग शाम को शॉपिंग करने साथ में जाएंगे. आई एम सो एक्साइटेड. यस, इवन आई एम एक्साइटेड. चल बाय. ओके बाय. चलो मजा आएगा. मैंने तो सोचा 1,000-2,000 मांगोगी, तुम तो सीधा 10,000 पे कूद पड़ी. हाँ 10,000 रुपए. अब 10,000 रुपए तो लग ही जाएगा ना. देखो गाउन लेना है, फिर साथ ही साथ एक्सेसरीज भी लेना है, मैचिंग हील्स, मैचिंग पर्स. अब ये सब करने में तो 10,000 तो ऐसे ही हो जाएगा. मैचिंग हील्स और पर्स की क्या जरूरत है, वैसे भी ये सारी चीजें तुम्हारे पास पड़ी हुई है. अरे तो वो सब पुरानी है, मैं उनको एटलीस्ट एक बार तो पहन ही चुकी हूँ. अब दोस्त क्या सोचेंगे, कुछ नया तो चाहिए रहेगा, नया साल है मम्मा. अरे इतना तो हमारा बजट ही नहीं है, क्या जरूरत है ये सब करने की. 10,000 रुपए कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें पता है? तुमको तो लगता है पैसे पेड़ से गिरते हैं. अरे मम्मा 10,000 की तो बात है, थोड़ी 10 लाख मांग रही हूँ. इस महीने मुझे पापा ने सिर्फ 20,000 रुपए दिए हैं, उसमें से मुझे पूरा महीना चलाना है. अगर उसमें से मैं 10,000 तुमको दे दूंगी तो पूरे महीने का राशन, सबका बिल भरना. और अनु भी तो है ना, वो तो 10,000 नहीं मांग रही है. तो मम्मी वो तो बच्ची है, मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे को नए कपड़े चाहिए रहेंगे. हाँ आप नहीं समझोगे, मैं जा रही हूँ, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी. आजकल के बच्चे भी ना, इनको पता नहीं क्या हो गया है, अपने पेरेंट्स की परिस्थिति को समझना ही नहीं चाहते हैं. इनको तो सिर्फ अपने दोस्तों की बराबरी करना है. मैं इनसे बात ही नहीं करूंगी, मम्मी हमेशा ऐसा करती है, मेरी बात कभी सुनती ही नहीं है. अब मैं इतना नखरा करूंगी कि मम्मी को मेरी बात माननी ही होगी. मम्मी को मुझे पैसा देना ही होगा. चलो आयु खाना लगा दिया, खा लो. नहीं खाना. अब क्या हो गया, जब तक आप मुझे पैसा नहीं दोगे तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगी. अरे तुमको पता है इतनी बड़ी हो गई हो तुम, तुमको तो समझना चाहिए ना, घर के इतने सारे खर्चे, इतने पैसे नहीं है ना मेरे पास, कहाँ से दूंगी तुमको. मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को आप पैसा दोगे तभी मैं खाऊंगी. मैं भी जानती, जाओ. मैं कुछ नहीं जानती, मेरे को आप पैसा दोगे तभी मैं खाऊंगी. मम्मी मम्मी. हाँ बेटा. मुझे तो बहुत भूख लग रही है, चलो खाते हैं. हाँ खा लो. आयु अभी तक नहीं आई. बेटा आयु आज सुबह से एक ही जिद लगा के बैठी, उसको 10,000 रुपए की शॉपिंग करनी है तो करनी है, खाना भी खाने नहीं आ रही है. कैसे समझाऊं उसको, मैं तो समझा के थक गई हूँ. अब बच्ची है, भूखी भी तो नहीं छोड़ सकती उसको. मम्मा चिंता मत करो, आप अभी खाना खा लो, मैं फिर बाद में आयु से बात करती हूँ. तुम खा लो बेटा, मैं एक बार और देखती हूँ खाएगी क्या. ओके मम्मा. खाने में क्या है? वाओ इतना यम्मी लग रहा है. आयु दीदी. ओ दीदी दीदी. अरे दीदी आप इतना मुंह लटकाए हुए क्यों हो? आपको पता है ना मम्मा क्या बोलती है? मम्मा बोलती है कि हमेशा न्यू ईयर की शुरुआत एकदम खुशियों से करनी चाहिए, तभी पूरा साल एकदम खुशियों का रहता है. और आप तो अभी से ही मुंह लटकाए हुए बैठ गए हो. हमारा इतना अच्छा सा प्लान बना कर ट्विनिंग करने का सब खराब कर दिया मम्मी ने. अरे दीदी 2 हफ्ते पहले ही तो मम्मा ने हमारे बर्थडे के इतना अच्छा ड्रेस लिया था, इतना सुंदर था, और आपने तो सिर्फ उसे एक ही बार पहना है. वापस पहन लो, मैं भी वही पहन रही हूँ.
क्या वापस पहनूं मैं? ऑलरेडी इसके पिक्चर्स मैंने सब खींच लिए और शेयर भी कर लिया इंस्टाग्राम पे, सबने देख भी लिया है। अब लोग क्या बोलेंगे जो बर्थडे के दिन पहना है वही हम न्यू ईयर के दिन पहन लिया, ये नहीं चलेगा। आइडिया, पुराने पिक्चर्स डिलीट कर दो। डिलीट करूं इतने सारे इंस्टाग्राम में लाइक्स मिल के सब चला जाएगा क्या? पर क्यों मार देखो, नहीं करना ना, देखो नेक अपने नीचे तो निकल यहां से, मेरे को मत इरिटेट कर। क्या बोलूंगी दोस्तों को, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं शॉपिंग करने नहीं आ सकती क्योंकि मैं गरीब हो गई। मम्मा मम्मा क्या हुआ नो? मम्मा मम्मा मैं आयु दीदी को बनाने गई लेकिन वो मारी नहीं, उसके ऊपर मुझे चाटा मार दिया। कोई बात नहीं बेटा, वो बहुत गुस्से में है ना, चलो बैठो जाने दो, उसको पैसा दे ही दे। अब नया साल है, वो पूरा मूड खराब करेगी, तो चलो उसको पैसा दे। ओके मम्मा। आयु ये लो 10,000 रुपए, जाओ शॉपिंग करके आ जाओ। सच्ची? हाँ जाओ, जब तुम अपनी जिद पे अड़ी हो तो जाओ शॉपिंग करके आ जाओ। ये थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा। अब मैं शॉपिंग करूंगी मान जी के साथ। ये अनु अनु। हाँ मम्मा। ये बेटा लाइट का बिल आया, जरा बताओगे? पढ़ के मुझे साफ दिख नहीं रहा, कितना लिखा है? अरे मम्मा आप अपना चश्मा नहीं पहनो इसलिए साफ नहीं दिख रहा, रुको मैं आपको चश्मा देती हूँ फिर आपको आराम लगे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं सुबह से ही चश्मा खोज रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। ऐसे कैसे, घर में ही होगा ना कहीं, आप तो बाहर अभी तक गए नहीं हो। मैं ढूंढ के आती हूँ। अरे अच्छा ये देखो, मेरे आंखों के सामने तो मैं देख ही नहीं, आप भी वैसे नहीं देख पाओगे। लो आपका चश्मा। अरे इसमें तो लेंस ही नहीं है। मम्मा आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि इसका लेंस टूटा है? क्या है ना बेटा, इस महीने मैंने सोचा था चश्मा का लेंस चेंज कराऊंगी, अब उसी में आयु जीत करने लगी बाकी सारे महीने के खर्चे, तो इस महीने तो बजट ही नहीं है। ये ले रख दे बेटा इसको, इसको अगले महीने चेंज कराऊंगा। ओके मम्मा। मम्मा मम्मा अरे क्या हुआ आयु, तू गई नहीं शॉपिंग के लिए? नहीं मम्मा, वो ये पैसे आप रख लो। क्यों शॉपिंग नहीं जाना? नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसे। सॉरी मम्मा, मुझे आपकी परिस्थिति समझना चाहिए था, मुझे ऐसे जिद नहीं करना चाहिए था, मेरे ये शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी तो आपका चश्मा है। मैं तो वैसे भी अपना ड्रेस लेती, एक दिन पहन लेती और रख देती। सॉरी माँ, मुझे ऐसे जिद नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, मुझे आपके बारे में भी सोचना चाहिए था। अब मैं ऐसा वापस कभी नहीं करूँगी मम्मा, ये आप पैसे रखो और अपना चश्मा फिक्स करा लो। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हुई ना, इससे और बड़ी क्या बात हो सकती है। हाँ दीदी और मम्मा, हमें कभी भी बराबरी नहीं करनी चाहिए किसी की, ना ही हमें देखा देखी करनी चाहिए। मेरे पास जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि मम्मा पापा हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचते है ना मम्मा। हाँ तो देखा दोस्तों, आप भी ऐसे जिद मत करना किसी चीज के लिए, हमेशा अपने माँ बाप का सपोर्ट करना चाहिए और जितना है उसमें ही खुश रहना चाहिए। तो आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, आप घंटी दबाना बराबर भूल जाते हो तो घंटी को जरूर दबाना, जिससे आपको ये पता चले कि हमारा नए साल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अभी हम आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।